आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में किसकी बनेगी सरकार? महाराष्ट्र और हरियाणा में गठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन अब झारखंड में कैसे बनेगी सरकार, कितनी सीटें किसको जा सकती हैं, सभी आंकड़े आपको दिखाएंगे। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर बनती आई है, लेकिन बीजेपी का दावा कि अब की बार 65 पार होगा। तो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है, साथ ही साथ बीजेपी ने आज वचन पत्र जारी किया, जिसमें आदिवासी समुदाय को काफी बड़ी योजनाओं का लाभ देने की बात कही जा रही है। इसी बीच राजनाथ सिंह ने यहाँ पर चुनावी ऐलान कर दिया है, चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो भी बड़े यहां पर दिग्गज हैं, वो झारखंड के मैदान में उतर चुके हैं। अमित शाह, झारखंड पुकारा भाजपा दोबारा, इस नारे से झारखंड की जनता को लुभाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और अपने कारनामों को उन्होंने जो किया है उसको दोहरा रहे हैं और जनता का समर्थन लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी भी काफी बड़ी यहां पर रैलियों का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कितनी सीटें बीजेपी को इस बार मिलेगी, क्या कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का जो महागठबंधन है उसकी ही सरकार बनेगी, क्योंकि इस गठबंधन ने पहले ही हेमंत सोरेन का नाम सबसे आगे रख दिया है, लेकिन इस महागठबंधन को भी नुकसान होने वाला है। जहां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने एक ऐसा गठबंधन महाराष्ट्र में तैयार किया है, जो विपरीत दल हैं, जिनके विपरीत आपने चुनाव लड़ा है और उसके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या जनता झारखंड के अंदर कांग्रेस को वोट देगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलने वाला है, लेकिन जो आंकड़े हैं, अब चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। बता दें आपके लिए कि आरजेडी 7, जेएमएम 43 और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव झारखंड के अंदर लड़ने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी अपने दम पर 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके सहयोगी दल इससे अलग हो चुके हैं, बिल्कुल अकेली बीजेपी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन एक नारा लेकर उतरी है, अब की बार 65 पार का नारा बीजेपी लेकर उतरी है। तो आगे आपको पूरे आंकड़े दिखाएंगे झारखंड की। अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो यहां से 24 जिले आते हैं, विधानसभा सीटें 81 आती हैं, अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो 9 हैं, अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो 27 सीटें यहां से निकल कर आती हैं। आदिवासियों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान बीजेपी कर चुकी है, ऐसे में किसको कितनी सीटें मिलेगी, ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में 2000 में बिहार से अलग हुए झारखंड की तस्वीर क्या है? अब तक के जो रिकॉर्ड है कि बीजेपी की ही एक सरकार ऐसी रही है जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, और उम्मीद की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि 2019 में भी एक बार फिर से रघुबर दास सरकार बनाएंगे। लेकिन 2014 के क्या नतीजे थे, अब वो आपको दिखा देते हैं। बीजेपी 37 सीटें, मतलब 4 सीटें बीजेपी कम, जेएमएम 19 सीटें, लेकिन इस बार जेएमएम को एक बड़ा यहां पर दल माना जा रहा है, और कांग्रेस 6, जेबीएम के लिए 8, एजीएस जो पार्टी उसके लिए 5 और अन्य के खाते में 6 सीट गई। तो झारखंड के लिए 2014 के जो एग्जिट पोल थे उसके अनुसार इंडिया टीवी सी वोटर का जो सर्वे था उसके अनुसार बीजेपी को 41 सीटें लेकिन मिली कितनी, 37, और कांग्रेस को 5 लेकिन मिली कितनी थी, 6। मतलब यहां पर जो एग्जिट पोल है बिल्कुल सटीक बैठा। जेएमएम को 19 ही, तो 19 ही सीटें यहां पर आई, जेवीएम को 6 तो 6 ही यहां पर आई, लेकिन अदर के लिए जो यहां पर अन्य दल है जिसमें यहां पर 6 और 11 सीटें यहां पर अदर के लिए मिली, तो बिल्कुल सटीक यहां पर एग्जिट पोल बैठा। तो झारखंड के लिए 2019 के लिए क्या कहता है संभावित एग्जिट पोल, संभावित ओपिनियन पोल क्या कहता है, बड़े एक्सपर्ट लोगों की इसमें सम्मिलित राय है और उसके अनुसार बीजेपी को फायदा होगा 2019 के लिए। अगर बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के साथ सरकार में रहती तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में बीजेपी को नुकसान होता, ये लोगों का मत है, ये लोगों की राय के अनुसार आपको जानकारी बता रहे हैं, और लोगों ने ही यहाँ पर जो सर्वे है उसमें अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार बनाई है उससे आने वाले इलेक्शन में नुकसान होने की उम्मीद बताई जा रही है।
तो 2019 के लिए क्या कहता है संभावित एग्जिट पोल। बीजेपी को 33 से 38 सीटें यहां पर मिलने की उम्मीद है, जेएमएम को 22 से 28 सीटें यहां पर 2019 के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार मिल रही हैं, मतलब जेएमएम को झारखंड के अंदर फायदा हो रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 3 से 6 सीट यहां पर आ सकती हैं, 2014 में 6 सीट लेकिन 2019 में 3 से 6 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है। एक समय एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को अच्छी सीटें यहां पर मिल रही थी और कांग्रेस और जेएमएम मिलकर सरकार बनाने तक का जो आंकड़ा है उसको छू रहे थे, लेकिन कांग्रेस को अब यहां पर नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक में जो उपचुनाव होने हैं 15 सीटों के लिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर यहां पर आई है कि कर्नाटक में जेडीएस कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलग हो सकती है, तो कांग्रेस अब महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन हुआ है उसके बाद कांग्रेस को नुकसान होने की बात कही जा रही है। जेवीएम की बात करें 4 से 7 सीट यहां पर आ सकती हैं, एजेएस जो पार्टी उसकी अगर बात करें तो 3 से 5 सीट इनको मिल सकती हैं, बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में जो पार्टी को 5 सीट 2014 में मिली थी वही 5 सीट इस बार मिल सकती हैं, और यहां पर अन्य की बात करें तो 3 से 6 सीट यहां पर अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो झारखंड की 81 सीटों के लिए संभावित आपको एग्जिट पोल बता चुके हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 23 दिसंबर को फाइनल आंकड़े आपके सामने होंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है क्या झारखंड के अंदर जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है उसकी ही सरकार बनेगी, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। क्या बीजेपी का जो नारा है आपकी बार 65 बार तो 65 सीटें वो प्राप्त करेंगे या नहीं, ये भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।